नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट एट सेवन में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। अगले आधे घंटे में हम आपको दिनभर की सभी खबरों से अपडेट कराएंगे, बताएंगे हवा में दिखे उस घुसपैठिए की कहानी जिसने कल सुरक्षा एजेंसियों को सख्ते में डाल दिया था। साथ ही बात होगी उस बेलगाम विधायक की जिसके बयान पर अब बीजेपी ने संज्ञान ले लिया है। लेकिन शुरुआत एक ऐसी खबर से जो स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी शर्म है। यह खबर सरकारी अस्पतालों की उस जंगली व्यवस्था को सामने लाएगी जिसमें लापरवाही का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है। अस्पताल में मासूम को सुअर ने घसीटा, नर्सिंग कर्मी की दिलेरी से बची जान, पिता की गोद में बैठी नव्या के दिल से सुअर का खौफ नहीं गया है। अपनी मां के साथ बारा अस्पताल आई 3 साल की नव्या को सुअर उठाकर ले गया, लेकिन एक नर्सिंग कर्मी की दिलेरी ने इसे मौत के मुंह से बाहर निकाल दिया। आवारा मवेशियों का बसेरा बन गए बारा अस्पताल में इलाज कराने वाला हर शख्स डरा सहमा सा रहता है, न जाने किस वक्त कोई जानवर आकर उन पर हमला कर दे। 9 बजे आने के बाद हम जैसे वहाँ ब्लड बैंक के बाहर खड़े थे तो एक सुअर बच्ची को घसीटता हुआ लेके जा रहा था। चारों तरफ आदमी चिल्ला रहे थे लेकिन कोई भी दौड़ के इस बच्ची की तरफ आया नहीं था। तो मैं जैसे खड़ा था तो मैं तुरंत दौड़ा और सुअर के लात मार के इस बच्चे को छुड़ाया मैंने, और जैसे छुड़ाया तो खून के फवारे चल गए इसके सर से। तो मैं तुरंत उसके सर को दबा के और ओपीडी की तरफ भग के आत्मा सर्जन साहब डॉक्टर हेमराज जी जो नागर थे उनको वहाँ पे बुला लिया। तुरंत वो भी दौड़ के आए, तुरंत इसका ट्रीटमेंट किया वहाँ पे। बारा अस्पताल में इलाज के लिए आई नव्या की मां के होश तब उड़ गए जब उसकी गोद से 3 साल की बेटी को एक सुअर लेकर भाग गया और लोग तमाशबीन बने रहे। सुअर इस बच्ची को 100 मीटर तक घसीट कर ले गया, तब एक नर्सिंग कर्मी ने आगे आकर बच्ची की जान बचाई। अब बच्ची का बारा अस्पताल में इलाज जारी है। अस्पताल परिसर में आवारा पशुओं की एंट्री रोकने की जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की अनदेखी मरीजों और तीमारदारों पर भारी पड़ रही है। राम प्रसाद मेहता, जी मीडिया, 12। शुक्र है कि इस अंधी व्यवस्था में अस्पताल के एक कर्मचारी की आंखें खुली थी और उसने बच्ची को बचा लिया, लेकिन इस व्यवस्था से हर कोई बचकर निकल जाए ये संभव नहीं। आज धौलपुर में इस व्यवस्था की भेंट एक महिला और एक बच्चा चढ़ ही गया। धौलपुर में इलाज के दौरान एक महिला और एक बच्चे की मौत के बाद बवाल खड़ा हो गया है। महिला की मौत के मामले में सरकारी डॉक्टर पाल सिंह के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। डॉक्टर पॉल सिंह का आरोप है कि शरीर में सूजन की शिकायत लेकर आई महिला को उन्होंने एक साथ 6 इंजेक्शन लगा दिए जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, और बाद में उन्होंने खुद की गाड़ी से मृत महिला को सरकारी अस्पताल में लाकर छोड़ दिया। डॉक्टर पाल सिंह यादव के नर्सिंग होम में ले गए थे, फिर उन्होंने इनको देखा, उन्होंने फिर बोला था कि इनके इंजेक्शन लगा रहा हूँ मैं, फिर उन्होंने इनके 6 इंजेक्शन लगाए। इंजेक्शन लगाने के बाद में ये गैरोस हो गए, तुरंत वहीं पर खत्म हो गए। तो खत्म होने के बाद में वो खुद अपनी गाड़ी में बैठा के पाल सिंह यादव वहीं को यहाँ पर छोड़ गए। राम बेटी का इलाज कराने के लिए 5 बजे गया था और वहाँ कोई गलत दवाई इलाज करने से उसकी मौत हो गई, और डॉक्टर पाल सिंह जी अपनी गाड़ी में वो राम बेटी को लेकर हॉस्पिटल में डाल गए। वहीं धौलपुर के प्रेम चाइल्ड हॉस्पिटल में निमोनिया का इलाज कराने आए 5 महीने के बच्चे की मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि डॉक्टर ने इलाज का जिम्मा नर्सिंग स्टाफ पर छोड़ दिया और नली डालने के दौरान बच्चे की नाक से खून आने लगा, लेकिन किसी ने इसकी सुध नहीं ली और बच्चे की मौत हो गई। इस मामले में निहालगंज थाने में केस दर्ज कराया गया है। प्रेम चाइल्ड हॉस्पिटल में बोड़िया गांव के सोनू ठाकुर ने अपना बच्चा पाँच महीने का इलाज हेतु भर्ती कराया था, उसके डॉक्टर की लापरवाही से इलाज के दौरान मौत होना परिजन बता रहे हैं। मौत के दोनों मामलों में लापरवाही के आरोप डॉक्टरों पर लगे हैं। दोनों मामलों में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी है। प्रशांत, जी मीडिया, धौलपुर। इसे व्यवस्था की ही खामी कहेंगे कि जिनसे जीवन बचाने की उम्मीद लगाई थी उन्हीं की लापरवाही ने जान ले ली, लेकिन एक विभाग ऐसा भी है जिसमें लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। इसी का नतीजा है कि किसी भी संदिग्ध की भनक लगते ही जांबाज सक्रिय हो जाते हैं।
जी हां, कल बाड़मेर में दिखे संदिग्ध गुब्बारे पर सेना ने जानकारी दी है कि आसमान में एक संदिग्ध बलून को उड़ता देख वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने इस पर हमला कर इसे नीचे गिरा दिया। संदिग्ध गुब्बारे के रहस्य से उठा पर्दा, सेना ने सामने रखी गुब्बारे की सच्चाई, फाइटर जेट से गुब्बारे को बनाया निशाना। लगभग 3 मीटर के आकार का था गुब्बारा। बाड़मेर जिले के गुगड़ी गांव में उड़े संदिग्ध गुब्बारे के मामले का खुलासा हो गया है। भारतीय सेना ने इस मामले में एक प्रेस नोट जारी कर यह साफ कर दिया कि गुब्बारे को गिराने के लिए क्या कार्रवाई की गई। प्रेस नोट में यह स्पष्ट किया गया है कि संदिग्ध गुब्बारे को गिराने के लिए फाइटर जेट का इस्तेमाल हुआ। गुब्बारे में किसी भी तरह की कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। गणतंत्र दिवस के मौके पर था हाई अलर्ट, नो फ्लाई जोन में उड़ रहा था गुब्बारा। सीमावर्ती क्षेत्र में संदिग्ध गुब्बारे से मचा था हड़कंप। विध्वंसक फाइटर प्लेन सुखोई का हुआ इस्तेमाल। गौरतलब है कि 26 जनवरी को लेकर हाई अलर्ट था। इस दौरान इस संदिग्ध गुब्बारे ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। गुब्बारे को गिराने के दौरान गोला बारूद के जो टुकड़े जमीन पर गिरे उसने गांव में भी खौफ पसार दिया था। लेकिन अब सेना के प्रवक्ता ने यह साफ कर दिया है कि गुब्बारे के जरिए कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं हुई है और पूरा इलाका महफूज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हालांकि अब रक्षा मंत्री ने कहा है कि इस मामले पर पाकिस्तान से जवाब मांगा जाएगा। वहीं सेना ने भी साफ कर दिया है कि कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन वायुसेना की इस कार्रवाई से यह साफ हो गया कि दुश्मन की कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं बीजेपी ने भी यह साफ कर दिया है कि पार्टी से जुड़े किसी भी शख्स की गलत बात बर्दाश्त नहीं होगी। बूंदी विधायक अशोक डोगरा के मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने साफ कहा कि पार्टी मामले की जांच कराएगी और दोषी पाए जाने पर डोगरा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बूंदी के बीजेपी विधायक अशोक डोगरा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एईएन को धमकी देने के मामले में उन पर पार्टी के अनुशासन का डंडा चल सकता है। धमकी वाला ऑडियो वायरल होने के बाद पार्टी अध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा है कि ऐसे मामलों में ढिलाई नहीं बरती जाएगी। ऑडियो क्लिप आने पर उसकी जांच कराई जाएगी। अभी जो अशोक डोगरा के जो वायरल आप कह रहे हैं अभी तक मेरे पास पहुंची नहीं है। हम निश्चित रूप से इसकी जानकारी करेंगे। ऐसी कोई अनुशासनहीनता पाई गई तो पार्टी कार्रवाई भी करेगी। उधर अपशब्द कहने के मामले में एईएन ने विधायक अशोक डोगरा के खिलाफ एसपी से शिकायत की है। एसपी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। आज विद्युत विभाग के एईएन साहब आए थे तो उन्होंने कहा कि वो किसी मतलब जो गलत कनेक्शन थे उनको हटाने के लिए गए थे, तो उसी बाबत कैमरे साहब भी उनसे फोन पे हुई बात हुई थी। उसके विरोध में वो कह रहे थे कि कुछ जो भी बात हुई है उसके संबंध में जांच के लिए वो आए थे। चारों तरफ से घिरते देख विधायक अशोक डोगरा के सुर भी नरम पड़ गए हैं। डोगरा ने कबूल किया है कि गुस्से में उल्टे सीधे 2-4 शब्द निकल गए होंगे। अब ठीक है, कोई गुस्से में कोई 2 शब्द कह दिए होंगे, हो सकता है, भाई ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी मेरी। अब सबकी निगाहें पार्टी और पुलिस के अगले कदम पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पानी की कमी और सूखे के लिए जाना जाने वाला राजस्थान अब अपनी पहचान बदल रहा है। आने वाले समय में प्रदेश के हर गांव और हर ढाणी से जल संकट खत्म होगा। इस दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। आज से प्रदेश भर में जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत हो गई है। झालावाड़ के गर्दनखेड़ी गांव में हवन और पूजा के साथ मुख्यमंत्री राजे ने एक महत्वाकांक्षी अभियान का आगाज किया। पानी की कीमत पहचानने और उसे बचाने के लिए शुरू किया गया मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान पानी के मामले में गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद है। झालावाड़ में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने खुद फावड़ा और कुदाल चलाकर इस अभियान का आगाज किया। वसुंधरा राजे ने माथे पर मिट्टी भरी टोकरी लेकर यह बता दिया कि जमीन से जुड़कर ही इस अभियान को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। हमने आज कई चीजों के लिए पैसे देने का ये मैंने बट रहे हैं, उसमें अपने अपना खेत, अपना काम, पालनहार, सामाजिक सुरक्षा, स्वच्छ भारत, कृषि विभाग, जिला अग्रणी बैंक, केंद्रीय सरकारी बैंक, कृषि विभाग, इन सब के अंदर करीबन 6,758 लोगों को 50 करोड़ 25 लाख रुपया आज के दिन हम लोगों ने वितरण किया है।
इस अभियान को सफल बनाने के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित की गई है। श्रमदान से लेकर धन मुहैया कराने तक के लिए लोग आगे आ रहे हैं। सीएम ने अपने 60 दिन का वेतन देने की घोषणा की तो देखते देखते मंच पर लोगों ने 7 करोड़ रुपए दान दे दिए। सबसे कम पानी वाला प्रदेश है और नॉर्मली एक साल में हमेशा अकाल कहीं ना कहीं होता है, तो उसके साथ जूझता रहता है। तो ये हमारी सबकी पर्सनल कोशिश है। बड़े बड़े काम जो भी हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं, परंतु यहाँ जो वाटरशेड्स को लाने की जो बात हम लोग कर रहे हैं, अकाल को सुकाल में बदलने का एक बड़ा प्रयास है। और जल स्वावलंबन के थ्रू पीने के पानी का इंतजाम, जहाँ ब्लॉक्स डार्क जोन्स हो गए थे उनको फिर से ग्राउंड वाटर को ऊपर लाने का और रिचार्ज करने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। पानी के मामले में गांव को आत्मनिर्भर बनाने की ये कवायद वाकई काबिले तारीफ है। इस साल प्रदेश के 3563 गांव में इस अभियान को चलाया जाएगा और इस तरह से 3 साल में प्रदेश के 15,000 गांव इसमें शामिल किए जाएंगे। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, झालावाड़। चलिए अलग अलग जिलों की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जहां मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत की। ये तस्वीरें देखिए आप, उदयपुर से बीकानेर, चूरू, भरतपुर, अलवर, सादुल शहर और हनुमानगढ़, ये 7 जगहों से तस्वीरें हैं जहां पर जल स्वावलंबन योजना की शुरुआत की गई। वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने, मंत्रियों ने इस अभियान की यहां शुरुआत की। राजधानी जयपुर में 3 दिन हंसी का महाकुंभ होने वाला है। पिंक सिटी के एसएमएस इन्वेस्टमेंट ग्राउंड में होने वाला लाफ्टर फेस्टिवल 29 जनवरी से शुरू होगा। आइए आपको बताते हैं कि क्या है लाफ्टर फेस्टिवल में इस बार खास और कौन कौन सितारे आने वाले हैं यहाँ। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। जो भी आएगा हंसे बिना नहीं जाएगा, क्योंकि शुरू हो रहा है लाफ्टर का महासंग्राम जिसमें बॉलीवुड स्टार गोविंदा, राजू श्रीवास्तव, सुरेश अलबेला समेत कई सितारे इस फेस्टिवल का हिस्सा बनने वाले हैं। खास बात यह है कि हंसी के महाकुंभ लाफ्टर फेस्टिवल में ये सितारे एक ही मंच पर नजर आएंगे और जयपुराइट्स को गुदगुदाएंगे। वहीं भाभी जी घर पर हैं, कॉमेडी सीरियल के स्टार्स गोल्डन भाई और छोटे पर्दे पर पलक जैसे किरदार निभा चुके कीकू शारदा भी इस फेस्टिवल का हिस्सा बनेंगे। इस बार का जो जयपुर लाफ्टर फेस्टिवल है जो 29, 30, 31 जनवरी को होने जा रहा है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक और अनूठा आयोजन है, क्योंकि ये पूरे विश्वभर में अकेला ऐसा आयोजन है जिसमें 100 से अधिक कॉमेडी और लाफ्टर से जुड़े हुए कलाकार जयपुर आकर के भाग ले रहे हैं। आयोजन का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना है जो पैसों की कमी की वजह से पढ़ नहीं पाते लेकिन जिंदगी में कुछ बनना जरूर चाहते हैं। अब लाफ्टर फेस्टिवल के जरिए ऐसे बच्चों का सपना पूरा किया जाएगा। रोटरी क्लब जयपुर नॉर्थ के अध्यक्ष सोमेंद्र शर्मा के मुताबिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि इसमें आने वाला पैसा बच्चों की पढ़ाई में लगाया जाएगा। जयपुर के लिए अच्छे 3 दिन में लगभग 2 लाख लोग, मैं मानता हूं कि इस आयोजन से जुड़ेंगे, जो कुछ जो हमारे सेशंस के दौरान आएंगे, हमारी जो रात की नाइट्स हैं उनमें भाग लेंगे, लगभग 2 लाख लोग आएंगे और पूरा मैदान में हम लोगों ने 25,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। लाफ्टर फेस्टिवल की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। फेस्टिवल के चलते कई कलाकार जयपुर में आना भी शुरू हो गए हैं। अब तो जयपुर वासियों को इंतजार है 29 जनवरी का, क्योंकि इस दिन से जयपुर में 3 दिन तक सिर्फ और सिर्फ ठहाके ही गूंजेंगे। सबके लिए ला रहा हूँ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर। 31 जनवरी को तो पूरे प्रदेश को और खासतौर पर जयपुराइट्स को इंतजार है इस लाफ्टर फेस्टिवल का, जब ये शुरू होगा और लोग अपने तनाव को भूलकर मनोरंजन करेंगे। हम आपको ये भी बता दें कि जी राजस्थान न्यूज इस पूरे कार्यक्रम का एसोसिएट स्पॉन्सर और मीडिया पार्टनर है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज। नमस्कार।